हेलो फ्रेंड्स, आपका अभी टेक्निकल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक नई डील हूँ, जिससे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप कैसे मोटो एम में एंड्रॉयड पी का वॉल्यूम कंट्रोलर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो एंड्रॉयड पी को भी रिलीज कर दिया गया है बीटा 1 वर्जन पिक्सल 2 एंड पिक्सल 2 एक्सल डिवाइस के लिए। तो आपको पता ही होगा कि अगर हम वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो उनका राइट साइड पर आता है नीचे की तरफ। तो हम उसी के बारे में बात करें कि आप कैसे उसको मोटो एम में पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा, जो कि मैं आपको ऐप का नाम बता देता हूँ कि इस ऐप का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है एंड्रॉयड पी नोटिफिकेशन बार, आपको ये सर्च करना है। फिर आपको यहाँ पर ये ऐप मिलेगा वॉल्यूम स्लाइडर लाइक एंड्रॉयड पी वॉल्यूम कंट्रोल, तो ये इस ऐप का नाम है। और आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि ये ऐप आपको कॉस्ट करता है 20 रुपीज़। तो मैंने इस ऐप का एक APK ढूंढ निकाला है, उस APK का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने फाइल मैनेजर में एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर में 20 रुपीज़ आपको कॉस्ट करता है। मगर जो APK दूंगा मैं आपको, वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। और योगेश दामा को ये ऐप बनाने के लिए स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने इस तरह का ऐप बनाया बाकी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, कि वो भी एंड्रॉयड पी के वॉल्यूम कंट्रोल को पा सकते हैं अपने डिवाइसेस में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप को सेटअप कर लीजिएगा। अब चलिए ऐप की तरफ चलते हैं, जो कि वॉल्यूम स्लाइडर ऐप है जिसका नाम। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस ऐप को कुछ परमिशंस देनी पड़ेगी, तो इस ऐप को आपको परमिशन दे देनी है। जो ये 2 परमिशंस मांगेगा, आपको सारी परमिशंस दे देनी है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन कलर का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने एक ग्रीन सेट करा है। तो नोटिफिकेशन कलर क्या होता है, कुछ इस तरह का। और यहाँ पर टॉगल आइकन कलर ये होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग आइकन्स देखने को मिल जाए। ये टॉगल आइकन कलर्स हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपको एक स्लाइडर की पोजीशन मिलती है, जो कि स्लाइडर की पोजीशन का मतलब है, जैसे कि हमने यहाँ पर राइट सेंटर पर सेलेक्ट करा है, तो आपको स्लाइडर कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो आप अपने सेटिंग्स के हिसाब से जो भी आपको पसंद है, जिस भी पोजीशन में, आप वहाँ से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही कुछ चीज़ें थी इसमें आपको मिलती हैं। अब यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कि जो आपका वॉल्यूम स्लाइडर है वो कितने सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर रिमेन करे। तो मैंने इसमें यहाँ पर 2 सेकंड पर सिलेक्ट कर दिया है, जो कि ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे कोई भी सेटिंग नहीं है। अब बता देते हैं कि यूज़ कैसे करना है। तो जैसे कि अगर हम नॉर्मली पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सामने नहीं आएगा, मगर आप उसको यूज़ करेंगे अपने नोटिफिकेशन को। अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर 7 आइकन्स मिलते हैं। तो ये 7 आइकन्स डिफरेंट चीज़ों के वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पहले वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर रिंगर की वॉल्यूम एडजस्ट करने को मिलता है। अगर हम यहाँ सेकंड पे करते हैं, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन की साउंड एडजस्ट करने के लिए मिलती है। अगर हम यहाँ पर म्यूज़िक वाले में करते हैं, जो कि मीडिया वाला है, तो आप उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक अलार्म का मिलता है, अलार्म के बाद आपको पूरे सिस्टम का मिलता है, सिस्टम के बाद आपको अपने इन कॉल वॉइस का मिलता है, और एंड में आपको ब्लूटूथ की साउंड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेटिंग्स में अवेलेबल हैं, जो कि अगर आप यहाँ टॉगल्स पे क्लिक करते हैं, जो भी चीज़ आपको यहाँ से नहीं चाहिए, आप उसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ से अनसेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये एक क्विक वीडियो था कि आप कैसे इसको पा सकते हैं अपने मोटो एम में वॉल्यूम स्लाइडर कंट्रोलर को एंड्रॉयड पी के जैसे। सो अभी टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।